आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होना था। लालू प्रसाद यादव को बेल मिल सकता था, लेकिन सुनवाई टल गई है। अगले हफ्ता में फिर से लालू प्रसाद यादव के ऊपर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह फैसला अब अगले हफ्ते आएगा, इसलिए इंतज़ार करना होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया था और वहीं पर अभी भी लालू प्रसाद यादव एडमिट हैं। इस वक्त 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता नज़र नहीं आएंगे आपको। हालांकि लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अगले हफ्ते अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, अगले हफ्ते सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन जज के नहीं बैठने से लालू की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगले हफ्ते लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट से रिकॉर्ड मांगने का निर्देश दिया था। चारा घोटाले के करीब 65 ट्रंक दस्तावेज हाईकोर्ट पहुंचाया गया है। अगली सुनवाई पर लालू प्रसाद की ओर से जमानत दिए जाने पर बहस की जाएगी। हालांकि उनकी तबीयत खराब है और दिल्ली एम्स में आरजेडी सुप्रीमो इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आरजेडी 10 सर्कुलर रोड रावड़ी आवास में, जहां खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से इंतज़ार सबको था। आरजेडी समर्थक ये चाह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की को बेल मिले और वो बाहर आए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। रांची के रिम्स में भी वो पेइंग वार्ड में भर्ती थे, वहीं पर चूँकि उनको जब सज़ा सुनाई गई थी तो वहीं पर उनको एडमिट कराया गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ी और फिर एयर एम्बुलेंस से लालू प्रसाद यादव को दिल्ली भेजा गया। दिल्ली एम्स में जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार लालू प्रसाद को मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं कि उनकी तबीयत में क्या सुधार हुआ है कि नहीं। हालांकि ये पूरी संभावना जताई जा रही थी कि अगर आज सुनवाई होती झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के ऊपर तो आज बेल मिल सकता था। आरजेडी के नज़रिए से, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के नज़रिए से ये दिन बेहद अहम था जब आज लालू प्रसाद पे सुनवाई होती और उन्हें बेल मिल सकती थी। लेकिन अब एक हफ्ता और इंतज़ार करना होगा जब झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद के ऊपर सुनवाई होगी और क्या फैसला आएगा, इस फैसले का इंतज़ार सबको है। हालांकि थोड़ी देर बाद तेजस्वी यादव जब निकलेंगे तो उनसे हम ज़रूर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहें। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।